मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के उससे पहले ही नक्सलियों ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी और आदिवासियों के यानी कि आदिवासी बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं जिस तरीके षड्यंत्र रच रहे हैं कि नक्सलियों ने बीजेपी का बाइकाट किया है। मैं आपको पूरी खबर पर अगर नज़र बाद में डालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव तो है लेकिन इससे पहले किस तरीके की साजिशें चल रही हैं, किस तरीके से नक्सलवादी लोग जो हैं वो चुनाव ना होने देने की धमकी दे रहे हैं। कल जिस तरीके से हमला हुआ, कई जवान शहीद हो गए और उसमें कवरेज करने गया दूरदर्शन का एक पत्रकार भी कहीं ना कहीं घायल हुआ और एक जो असिस्टेंट पत्रकार था वो घायल हुआ, वो बच गया। एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, लेकिन उसके साथ जो मेन कैमरामैन था उसकी मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अगर पूरी घटनाक्रम पर नज़र डालूं तो बस्तर इलाके में नक्सली पोस्टरों में मीटिंग के जरिए चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का बहिष्कार करने को कह रहे हैं और नक्सलियों ने दूर दराज के जंगलों में लगे इन पोस्टरों पर लिखा है बायकाट फेक छत्तीसगढ़ चुनाव। वहीं दूसरा पोस्टर में ग्रामीणों से कहा गया है कि कॉपरेट एंड हिंदू फासिस्ट बीजेपी का बहिष्कार करो, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को जन आंदोलन अदालत में खड़ा करो। इन पोस्टरों को सीपीआई माओवादी ने जारी किया है, यानी कि दूर दराज के जंगलों में कई पोस्टर लगे हैं और जिसमें लिखा है कि देसी विदेशी कॉरपोरेट घराना प्रस्त व ब्राह्मण या हिंदुत्व फांसीवादी बीजेपी को मार भगाओ, वोट मांगने आने वाले अन्य दलों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करो। सीपीआई के एक दूसरे पोस्टर में लिखा है कि फर्जी छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव का बहिष्कार करो, जनता सरकार को मजबूत करेंगे, उनका विस्तार करेंगे, जनयुद्ध को तेज करके दमन योजना समाधान को हराएंगे। बता दें कि नक्सली अधिकतर सत्ताधारी दल पर ही निशाना साधते हैं क्योंकि सत्ताधारी दल ही उन नक्सलियों पर निशाना साधती है और उनको सफाया करने के लिए कहीं ना कहीं सेना को तैनात करती है। अब इसीलिए उनका भी गुस्सा मौजूदा सरकार के खिलाफ होता ही है, ये कॉमन सी बात हो जाती है। अब क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हैं, यह भी चर्चा है कि उग्रवादियों ने गाँव वालों को धमकी दी है कि अगर उनके हाथ की उंगलियों में स्याही का निशान लगा होगा, जिसका मतलब वे वोट देकर आए हैं, तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के आईजी विवेकानंद कहते हैं कि उग्र वामपंथी गांव में मीटिंग करके ग्रामीण को धमकाते हैं और उन्हें चुनाव से दूर रहने को कहते हैं। उन्होंने बताया कि हमने छापे के दौरान लिखित सामग्री जब्त कर ली है जो साबित करता है कि नक्सली सीधे साधे आदिवासियों को धमकाते हुए बीजेपी कांग्रेस या किसी और पार्टी को वोट न करने को कहते हैं। अब बीजापुर में तैनात एक वरिष्ठ पैरामिलिट्री अधिकारी ने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि यूं तो राज्य में भारी भरकम सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, लेकिन नक्सली अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। अब उम्मीदवारों को सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उनको भी सुरक्षा दी जाएगी। बस्तर आईजी ने कहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस ने एक सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 2 PSO मिलेंगे। अगर खतरे की संभावना अधिक होगी तो उम्मीदवारों को सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सली धमकी के चलते करीब 58 राजनेताओं को अलग अलग कैटेगरी में पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है, इसमें YZ+ कैटेगरी शामिल है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ में बहुत चिंता का विषय है क्योंकि उन जंतेवाड़ा इलाके में जहां नक्सलियों का बोलबाला ज़्यादा है और इन नक्सलियों के खिलाफ अगर कमर कसी जाती है तो ठीक है, वरना मुसीबत उन आदिवासियों के लिए भी हो सकती है जो वोट डालने जाएंगे। हालांकि कई अगर दंतेवाड़ा इलाके में अगर आसपास के इलाकों में देखा जाएगा वोटिंग के बाद कि कितनी परसेंटेज थी इस इलाके की, तो आपको बहुत मामूली मिलेगी क्योंकि यहाँ नक्सलियों का जो है खौफ ज़्यादा रहता है और उस खौफ के चलते ही कहीं ना कहीं वोटिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो पाती है। तो इसीलिए सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से
जो बीजेपी के खिलाफ नक्सलियों ने कहीं ना कहीं मोर्चा छेड़ दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही।